हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए ग्लिच सीरीज का चौथा भाग लेकर आई हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, साथ ही आपको हमारी प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। चौथे भाग की शुरुआत होती है जेम्स और विलियम से। वो दोनों अलीशा के लिए उसकी कब्र खोद रहे थे। उन दोनों को कहीं ना कहीं यही उम्मीद थी कि अलीशा इस दुनिया में वापस लौट आएगी। अगली सुबह वो दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और इस दौरान जेम्स को खून से लथपथ एक बैग मिलता है। साथ ही उस जगह पर बड़े बड़े पैरों के निशान भी बने हुए थे जो दिखने में कुछ हद तक एक महिला के थे। जेम्स को लगने लगता है कि हेसन वो खूनी नहीं है। हालांकि हेसन के साथ अलीशा की बनती नहीं थी। दूसरी तरफ फिल खून से लथपथ अवस्था में जेम्स के घर पर जाता है और अपने आप को साफ करने के लिए सारा उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। फिल अपने खून से लथपथ कपड़े घर पर फेंक कर सारा से कहता है उसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए वो घर वापस जाना चाहता है। लेकिन सारा के समझाने पर भी फिल यहाँ कुछ और दिन रुकने का फैसला लेता है। कुछ देर बाद लेक हाउस में अलीशा की मौत के बाद बाकी सभी अपनी जान को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अलीशा ही एकमात्र चाबी थी जिसकी मदद से मरे हुए जीवित लोगों की सच्चाई के बारे में सभी को पता चल जाता। लेकिन अब ये संभव नहीं था। दूसरी तरफ क्रिस्टी को उसके बेस्ट फ्रेंड विकी के बारे में पता चलता है। क्रिस्टी चार्ली के साथ उससे मिलने के लिए गई थी। क्रिस्टी बस इतना जानना चाहती थी कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी। विकी अब एक बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी थी। वहीं क्रिस्टी किसी तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चार्ली को विकी से मिलने के लिए कहती है। चार्ली एक कस्टमर बनकर विकी से बातचीत कर रहा था। वहीं बाहर क्रिस्टी की मुलाकात विकी के बेटे से होती है जो क्रिस्टी के मौत के ठीक एक साल बाद पैदा हुआ था। क्रिस्टी को ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन इस बारे में वो कुछ खास नहीं जानना चाहती थी। अंदर बातों बातों में चार्ली विकी से कहता है कि वो क्रिस्टी का पड़ोसी था और वो बस उसकी मौत की गुत्थी सुलझाना चाहता है, इसलिए आज वो विकी से मिलने के लिए आया है। विकी कहती है क्रिस्टी के बॉयफ्रेंड ने उसे जान से मार दिया था। इस बात पर चार्ली कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड बेगुनाह है। इस बात को लेकर विकी पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। गुस्से में विकी कहती है कि मुझे अब तक यही पता था कि क्रिस्टी की मौत उसके बॉयफ्रेंड द्वारा हुई है। बाहर क्रिस्टी और हम सभी उसके फ्लैशबैक से जान पाते हैं कि एक रात क्रिस्टी और विकी पार्टी के लिए बाहर गए हुए थे। इस दौरान क्रिस्टी और विकी जंगलों के भीतर जाने लगे और एकदम से उन दोनों पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। यहाँ मौजूद सभी लड़के मिलकर उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन लड़कों का हेड बीट क्रिस्टी और विकी पर जबरदस्ती करता है और इसी वजह से क्रिस्टी की जान चली गई और विकी प्रेग्नेंट हो गई। अपनी प्रेगनेंसी और बेटे की बात वो सबसे छिपाने के लिए विकी ने अब तक किसी को भी इस घटना की सच्चाई नहीं बताई। उधर पुलिस स्टेशन में जेम्स हेसन को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। पूछताछ के दौरान हेसन बताती है जिस आदमी ने अलीशा को मारा था उस आदमी का बर्ताव बिल्कुल ऑफिसर विक की तरह था। इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए हेसन अलीशा की रिपोर्ट फाइल मांगती है जिसे परखने के बाद हेसन कुछ बता पाएगी। जेम्स हेसन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो अलीशा की सारी फाइल्स लेने से मना कर देता है। दूसरी तरफ पैट्रिक अपनी लवर कलिंडा के परिवार वालों को अपनी जायदाद का आधा हिस्सा देने के लिए पापड़ बेल रहा था। साथ ही पियो भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पैट्रिक को एक पुराने किताब से पता चलता है कि सालों पहले पैट्रिक की मौत हुई थी, लेकिन उसके खून का जिम्मा कलिंडा और उसके परिवार वालों को दिया गया था। हालांकि पैट्रिक के बेटे ने उसकी हत्या की थी, लेकिन अपना गुनाह छिपाने के लिए पैट्रिक के बेटे ने कलिंडा और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया। जैसे तैसे इस घटना के बाद बियो के परिवार वाले बच गए थे, जिसकी वजह से उनका वंश खत्म नहीं हुआ। अपने बेटे की करतूतों की वजह से पैट्रिक बेहद उदास था। सब कुछ ठीक करने के लिए पैट्रिक अबोर्ड नामक महिला से मिलता है। अबोर्ड काफी बूढ़ी हो चुकी थी। पैट्रिक अबोर्ड से मिलकर उससे कलिंडा के बारे में काफी कुछ कहने लगता है। इस बात से अबोर्ड काफी हैरान थी, क्योंकि कलिंडा के बारे में सिर्फ उसके दादाजी ही जानते थे। पैट्रिक अबोर्ड को अपनी जायदाद के पुराने कुछ कागजात भी दिखाते हैं, लेकिन अबोर्ड के मुताबिक पैट्रिक पर भरोसा करने के लिए ये कागजात काफी नहीं थे। पैट्रिक अपने परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। ये जानने के बाद अबोर्ड अपने बच्चे को पैट्रिक को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भेजती है।
दूसरी तरफ जेम्स को ओवन के बारे में पता चलता है। ओवन वही आदमी है जिसके साथ केट रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। ओवन एक मर्डरर था। जेम्स उससे पूछताछ करने के लिए निकलता है। इधर विलियम हेसन को अलीशा की रिपोर्ट चालाकी से छिपा कर देता है, जिससे कि उन सभी को किसी तरह की मदद मिल सके। हेसन इन रिपोर्ट्स और फाइल्स की मदद से बताती है कि अलीशा के एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप था वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन की मदद से मरे हुए जीवित लोगों की मेमोरी वापस लाई जाती है। साथ ही इस वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों को जिंदा भी किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को हेसन विलियम पर करती है, जिसके बाद विलियम को याद आने लगता है कि इससे पहले भी उसे इस दुनिया में वापस लाया गया था, और तब वो एक अलग इंसान की पहचान के साथ जी रहा था, और दोबारा से उसे जिंदा करने के बाद वो विलियम बनकर जी रहा है। और हो सकता है यही कारण था अलीशा ने उसे दोबारा से जिंदा किया, लेकिन इस बात से जुड़ी कोई सबूत किसी के पास भी नहीं थी। वहीं जैसे ही जेम्स ओवन से मिलने के लिए जंगलों में पहुंचता है, जेम्स केट को ओवन के बारे में बता देता है सब कुछ, लेकिन केट सब कुछ जानने के बाद भी उसे भगा देती है, और फिर वो ओवन से उसकी सच्चाई के बारे में पूछती है। ओवन बताता है 8 साल पहले वो क्लब के झगड़े में पड़ गया था। इस झगड़े की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से उसे 8 साल की जेल हुई थी और हाल ही में उसकी सजा खत्म हुई है। उधर सारा जेम्स की गैर हाजिरी में पुलिस स्टेशन जाकर फिल के खिलाफ सारे सबूत मिटाने की कोशिश करती है। सबूतों को लेकर सारा लेक हाउस के पास जाकर फेंक देती है। इस बीच चार्ली वहां पहुंच जाता है और अपने पकड़े जाने के डर से सारा चार्ली पर गन पॉइंट कर देती है, जिसके तुरंत बाद सारा की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अपने ऐसे हालत के तले सारा फौरन घर वापस लौट जाती है। इधर घर पर जेम्स को फिल के खून से लथपथ कपड़े मिलते हैं। सारा से पूछने पर सारा बताती है कि काफी दिनों से उसे ब्लीडिंग हो रही है और इसी वजह से ये सारे कपड़े खून से लथपथ है। उधर अबॉर्ड अपने बच्चों द्वारा पैट्रिक को मरवाने की कोशिश करती है। वो सभी मिलकर पैट्रिक पर हमला करने लगते हैं। अब जैसे ही पैट्रिक उन सभी पर वार करता है, वो बच्चे गुस्से में पैट्रिक को बंदी बना लेते हैं और उसे मरने के लिए वहीं छोड़कर वहां से निकल पड़ते हैं। अगली सीन में क्रिस्टी अपने कातिल को ढूंढते ढूंढते पीट का पता लगाती है। पीट वही इंसान था जिसने क्रिस्टी को मारा था। ये आदमी क्रिस का बड़ा भाई है। गुस्से में क्रिस्टी उसके कमरे की तरफ पत्थर फेंकती है और वो नोटिस करती है कि पीट व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है। क्रिस क्रिस्टी को बताता है कि 19 साल की उम्र में पीट की एक्सीडेंट हुई थी, जिसके बाद से वो ऐसा बन गया और उसकी याददाश्त भी चली गई, और तब से वो व्हीलचेयर का सहारा लेने लगा। ये जानने के बाद क्रिस्टी कहती है जो उस आदमी ने किया है उसके बाद सिर्फ इतनी सी सजा उसके लिए काफी नहीं है। दूसरी तरफ चार्ली अपने पब ओनर के दोस्त से मिलता है और इस बार वो दोबारा से पुराने कुछ यादों के बारे में सोच रहा था जो अपने आप उसके जहन में आने लगे। युद्ध के बाद चार्ली को मेडिकल सेंटर में रखा गया था, लेकिन इस तरह से उसकी असल में मौत नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद चार्ली ने जुए में जीते हुए पैसों से अपने सोल्जर साथियों के लिए एक क्लब बनवाया था। इस क्लब का नाम था कलिंडा खाकी क्लब और ये उन सैनिकों के लिए थी जो हाल फिलहाल में युद्ध से लौटकर वापस घर आए थे। इस क्लब को बनाने के बाद चार्ली बेहद खुश था, और उसके कुछ दिनों के बाद चार्ली को टीबी की बीमारी हो गई। इस बीमारी के चलते चार्ली की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और एक आसान मौत चुनने के लिए चार्ली ने खुद को मार दिया। चार्ली बेहद रोने लगता है क्योंकि एक कायर की तरह बर्ताव किया था उसने उस समय। वहीं पब ओनर चार्ली को उसके अच्छे कर्मों के बारे में भी बताता है, जिसके बाद चार्ली की हालत कुछ हद तक ठीक हो जाती है। अगले सीन में सारा रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। डॉक्टर बताती है डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना आम बात है। ठीक तभी हॉस्पिटल में फिल पहुंचता है। फिल सारा से काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि सारा ने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया था, इसलिए वो इन कामों में उसकी मदद करना चाहता था। अब रात के समय केट सारा को कॉल करके उसके घर पर आने की परमिशन लेती है। फिल को सारा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, लेकिन सारा फिल से वादा करती है कि वो अपना काम अच्छे तरीके से पूरा करेगी। कुछ देर बाद केट सारा के घर पर पहुंचकर उससे उसकी मौत के बारे में सवाल पूछने लगती है। सारा कहती है तुम्हें कैंसर की बीमारी थी, लेकिन तुम अपनी बीमारी से लड़ने की शक्ति खो रही थी, इसलिए तुम आसान मौत चुनकर अपनी जान देने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुम अपनी बीमारी से जूझ कर मारी गई। इस दौरान सारा ने एक गन पकड़ी हुई थी, जिससे कि वो मौका देखकर केट को मार सके।
लेकिन ठीक समय पर जेम्स घर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद सारा का प्लान फेल हो जाता है। उधर पैट्रिक अबोर्ड ने बंदी बनाकर रखा था। उसकी बुरी हालत देख अबोर्ड जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट करती है, साथ ही उसे पहनने के लिए नए कपड़े भी देती है। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद अबोर्ड पैट्रिक से पूछती है, कैसे तुम हमारे परिवार के बारे में इतना सब कुछ जानते हो? पैट्रिक बिना अपना परिचय दिए कलिंड और अपने मौत के बारे में अबोर्ड को सारी सच्चाई बताने लगता है। पैट्रिक उसे कलिंडा के परिवार को जायदाद का आधा भाग भी देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी को बीच रास्ते में पीट मिल जाता है, जो फ्रेश होने के लिए व्हील चेयर पर बाहर आया हुआ था। पीट पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था। वहीं क्रिस्टी गुस्से में पीट पर हमला कर देती है। क्रिस्टी कहती है कि तुम एक खूनी और बेहया इंसान हो, जिसने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी होगी। ये सुनते ही पीट बेहद हैरान रह जाता है। साथ ही अपने गुस्से के चलते क्रिस्टी पीट को नदी किनारे छोड़कर लेक हाउस के लिए निकल पड़ती है। इधर फिल पहले से ही लेक हाउस में मौजूद था। फिल एक एक करके वहाँ मौजूद लोगों के साथ झगड़ने लगता है। क्रिस उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, हालांकि वो नाकामयाब रहता है। लेकिन ठीक समय पर जेम्स लेक हाउस पहुंचता है और वो फिल को अरेस्ट कर लेता है। जेम्स ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर फिल मरे हुए जीवित लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। वहीं फिल बताता है, मरे हुए जीवित लोग प्रकृति के खिलाफ जाकर बने हैं, जो कि सही नहीं है, और उन सभी को मरना होगा। आखिर में जेम्स उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। बिना जवाब दिए फिल छुप कर जाता है। इधर पैट्रिक अबोर्ड और ब्यो की मुलाकात होती है। पैट्रिक की वजह से ब्यो को काफी अच्छा महसूस होता था। ठीक तभी पैट्रिक पर कोई गोली चला देता है और इसी कारणवश पैट्रिक मारा जाता है। पैट्रिक से कुछ दूरी पर सारा खड़ी हुई थी और हम समझ पाते हैं कि सारा खूनी है और उसने अपना पहला काम पूरा कर लिया है, यानी कि उसने मरे हुए जीवित लोगों को मारना शुरू कर दिया है। ब्यो इस दुर्घटना से काफी ज्यादा परेशान था। पूरी रात वेट करने के बाद अगली सुबह ब्यो जेम्स को कॉल करता है। जेम्स फौरन पैट्रिक को लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में पैट्रिक का शरीर धूल बन जाता है और पैट्रिक का पूरा अस्तित्व मिट जाता है। अब जैसे ही ब्यो घर पर पहुंचता है, वो देखता है कि अबोर्ड ने कलिंडा को आधी जायदाद देने के लिए अपने एक लॉयर को घर पर भेजा है। मरकर भी पैट्रिक ने अपना वादा पूरा किया। दूसरी तरफ पैट्रिक को मारने के बाद सारा को बेहद गिल्टी महसूस हो रहा था और पैट्रिक की मूर्ति के सामने खड़ी होकर वो रो रही थी। अब यहाँ से सारा फिल को छुड़ाने के लिए जेल में जाती है और वो दोनों अपने अगले मिशन के लिए तैयारी करने लगते हैं। इधर जेम्स सभी मरे हुए जीवित लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें नॉर्गार्ड हेडक्वार्टर्स में भेजने का फैसला बना लेता है, क्योंकि उससे सुरक्षित जगह सभी के लिए और कोई हो ही नहीं सकती है। साथ ही वो सभी को ऑफिसर विक और फिल जैसे लोगों से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे लोग सभी को खतरा पहुंचा सकते हैं। अगली सुबह हेसन सभी को नॉर्गार्ड हेडक्वार्टर्स में ले जाती है। विलियम पहले से ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए वहां पर मौजूद था। हेसन बताती है वो एक्सपेरिमेंट की मदद से एलिशा को वापस जिंदा कर सकेगी। वहीं दूसरी तरफ जेम्स नोटिस करता है फिल पुलिस स्टेशन से गायब है। जेम्स को पता चलता है कि फिल को छुड़ाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी सारा है। वो समझ पाता है कि फिल और सारा एक साथ मिले हुए हैं, लेकिन सारा उसे कॉल पर बार बार माफी मांगकर रोने लगती है। ये देख जेम्स कहता है, तुम्हें उस दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन तुमने हमारी बेटी को जन्म दिया था। सारा को बेहद दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी वो फिल की मदद करना नहीं छोड़ती है। अगले सीन में विलियम और हेसन कब्रिस्तान जाकर उस एक्सपेरिमेंट की तैयारी करने लगते हैं, जिससे कि अलीशा को बचाया जा सके। वहीं बाकियों को हेडक्वार्टर्स में रहने के लिए कहा जाता है। कुछ देर बाद सारा और फिल उसी हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं, जहाँ सभी को सुरक्षित रखा गया था। वो दोनों जैसे तैसे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वहीं बाकी मरे हुए जीवित लोगों को सारा और फिल के मंशे के बारे में पता चल जाता है। सभी भागने लगते हैं, लेकिन तभी चार्ली को गोली लग जाती है। केट उसकी मदद करती है, साथ ही वो सभी कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं और उनका पीछा करते करते फिल और सारा भी उस ओर जाने लगते हैं। इधर विलियम और हेसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन बाकी सभी वहां पहुंचकर उनकी एक्सपेरिमेंट में बाधा डाल देते हैं। और फिर हेसन को पता चलता है कि सारा और फिल उन सभी को मारने के लिए इस तरफ ही आ रहे हैं।
उन दोनों के वहां पहुंचने के बाद विलियम गुस्से में फिल पर अटैक करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से अलीशा ने अपनी जान खोई है। केट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन मरे हुए जीवित लोगों की मृत्यु बाउंड्री और ज्यादा छोटी हो चुकी थी जिसकी वजह से इन लोगों के लिए जीने की जगह पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। वहीं सारा केट की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे पकड़ लेती है लेकिन ठीक समय पर जेम्स कब्रिस्तान पहुंच जाता है। फिल जेम्स को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। इस तरफ सारा केट की तरफ निशाना तान कर खड़ी थी। सारा की गोली का निशाना बिल्कुल भी नहीं चूक सकता है क्योंकि केट उसके बेहद ज्यादा करीब खड़ी थी। साथ ही वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और मृत्यु बाउंड्री छोटी होने के कारण केट की हालत भी बिगड़ चुकी थी। सारा अपना अगला टास्क पूरा करने ही वाली थी लेकिन एन मौके पर अपने पति की हालत देख सारा फिल को शूट कर देती है। फिल को मारने की वजह से सारा की भी मौत हो जाती है और इस बात से सभी हैरान थे। केट एक नर्स थी, वो देखती है कि दोबारा से सारा की ब्लीडिंग होने लगी है लेकिन वो सारा को नहीं बचा पाती है। उधर हेसन अब भी एक्सपेरिमेंट की प्रक्रिया में लगी हुई थी। हालांकि एक्सपेरिमेंट के बाद अलीशा दोबारा जिंदा होकर नई जिंदगी तो नहीं पाएगी लेकिन मरे हुए जीवित लोगों की मृत्यु बाउंड्री पहले की तरह और ज्यादा बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से केट की बिगड़ी हालत में सुधार आ जाता है। अगली सुबह ऑफिसर क्रिस क्रिस्टी से कहता है कि वो आज ही जाकर क्रिस्टी की केस चालू करेगा जिससे कि वो खूनी को सजा दे सके। इधर जेम्स जल्द से जल्द फिल को कब्र के अंदर डालना चाहता था लेकिन उससे पहले हेसन उसकी पोस्टमार्टम करना चाहती थी। ऐसा करने से हेसन और बाकी सभी को इन लोगों के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। हेसन फिल को लेकर लैब के लिए निकलती है लेकिन हम देखते हैं कि फिल जिंदा है और फिल को जिंदा करने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद हेसन थी और ये सब कुछ हेसन के प्लान अनुसार ही हो रहा था। फिल और सारा हेसन के लिए काम कर रहे थे क्योंकि हेसन इन सभी के साथ कुछ छेड़खानी कर चुकी थी। दूसरी तरफ व्यो पैट्रिक का कब्र ढूंढ रहा था। इधर जेम्स को सारा की आखिरी चिट्ठी मिलती है जिसे पढ़ने के बाद जेम्स बेहद इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ विलियम अब भी अलीशा के कब्र के पास बैठा हुआ था क्योंकि वो अलीशा को बेहद मिस कर रहा था। इस दौरान विलियम को अजीब सी आहट और कुछ लोगों की हल्की आवाजें सुनाई देने लगती है और इससे यही साबित होता है कि दोबारा से कुछ लोग कब्रिस्तान से जीवित होकर उठने वाले हैं। और ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी ग्लिच सीरीज का चौथा भाग। अगर आपको चौथा भाग पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।